अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, रहला विद नुमान बुखारी के आज एक स्पेशल एडिशन के साथ आपके साथ आपका होस्ट नुमान बुखारी हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम, जैसे हम जानते हैं आज 9 नवंबर है, इकबाल डे है, तो आज हमारा मौजू गुफ्तगू भी यकीनन इकबाल डे रहेगा। आज हमारे साथ शरीक महफिल जो हैं, शरीक गुफ्तगू जो होंगे, वो डॉक्टर तकी आबी साहब हैं, मारूफ मुहक्किक हैं, शायर हैं, इकबाल स्कॉलर हैं, 50 से ऊपर किताबों के मुसन्निफ हैं, जिसके अंदर इकबालियात पे भी किताबें हैं, फैज पे हैं, अनीस पे हैं, मीर पे हैं, ददीर पे हैं। हमारी कुछ स्मृति के मासा डॉक्टर साहब आज इस महफिल के अंदर शामिल हैं। इकबाल डे के हवाले से बात करेंगे खवातीन हज़रात। आज 140 साल इकबाल की पैदाइश को गुजर चुके। हम इकबाल को जौम हर साल मनाते हैं और इसमें अपने ताल्लुक जो इकबाल के साथ हमारा है उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ याद दहानी भी करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फलसफी, शायर, मुहक्किक, एक ऐसा इंसान, दोस्त शख्स और ऐसा काम मौजूद है कि जिससे हम अगर फायदा ना उठा सके तो बहुत बदकिस्मत होंगे। तो आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हम डॉक्टर तकी आबी साहब के साथ। इकबाल कौन है, इकबाल कब पैदा हुए, किस घराने में पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए, लाहौर के अंदर इंतकाल फरमाया, लाहौर में इकबाल का मजार है, फारसी की किताबें हैं, शायरी फारसी में की, उर्दू में की, अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम पे कुछ उन्होंने नज़में पंजाबी में भी लिखी, फिर अंग्रेजी के अंदर इकबाल का बहुत ज्यादा काम है, इसमें रिकंस्ट्रक्शन उनके खुतबात हैं, ये सब चीजें हैं और ये सब चीजों से मिलके एक दबिस्तान इकबाल बनता है जिसको हम द स्कूल ऑफ इकबाल कहते हैं, जिसके अंदर बहुत से मौजूआत हैं, बहुत डेप्थ है, बहुत हॉरिजेंटली उसका स्केल बहुत बड़ा है। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं दबिस्तान इकबाल के हवाले से, द स्कूल ऑफ इकबाल। डॉक्टर साहब, ये दबिस्तान इकबाल क्या है और इसका मरकज, इसका महवर क्या चीज है? बहुत उम्दा सवाल है नुमान बुखारी साहब। जिस तरह से दबिस्तान में दर्जे होते हैं, इब्तदाई दर्जे, फौखानी दर्जे, आला दर्जे, उसी तरीके से इकबाल को जो लोगों ने इकबाल के पैगाम को और इकबाल की जो विजन है, जो इकबाल की जो सोच है, उसको मुख्तलिफ दर्जों में हम बयान और मुख्तलिफ सतहात पर हम बयान कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि किसी के लिए इकबाल अगर चाहे तो मिल्ली है, मिल्ली शायर है, जरा आगे बढ़े तो आपके जो है इकबाल कौमी शायर है, उससे बड़े आगे बढ़े तो इकबाल फिलोसफी शायर है, उसके बाद से आप देखते हैं कि इकबाल आपके जो है इस्लामी शायर है, इकबाल इन सबको अगर मिलाए तो आफाकी शायर, इकबाल ये सब कुछ है दबिस्तान की तरह से, मुख्तलिफ दर्जात हैं। तो मगर जैसा आपने सवाल किया कि मकसदियत और उसका महवर जो है फजीलत इंसान और मुकाम इंसान और एहतराम इंसान और हुकूक इंसान है, तो इकबाल की शायरी जो है अगर दूसरे लेवल पर की जाए तो आप उसको इस्लामी शायरी पे भी कर सकते हैं या मिल्ली शायरी पे, लेकिन अगर देखा जाए तो इकबाल मजमुआ है इन चीजों का और आफाकियत है। यानी इकबाल यही कहते हैं कि इंसान आपके जो है, यानी उनका जो आपके शाहकार शेर है, कस न बौशत दर जहां मोहताज कस, ये नहीं कहा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मोहताज रहे, कह रहे हैं पूरी दुनिया में कोई शख्स दूसरे शख्स का मोहताज ना रहे, नुक्ते शर्रे मुबी इन अस्तो बस, बस यही आपके जो है कुरान मजीद और अल्लाह के पैगाम का पैगाम है कि कोई शख्स दूसरे शख्स का मोहताज ना रहे, हुर्रियत का पैगाम, हुर्रियत का पूरा पैगाम है, एहतराम का पैगाम है। इसी वजह से कहते हैं कि इंसान जो है इतना जो 5-6 फीट का है ये इतना अजीम है कि ये पूरी कायनात में समा नहीं सकता, पूरी कायनात जो है इंसान के एक हिस्से में समझ जा सकती। तो कहने का मतलब यह है कि फजीलत इंसान, एहतराम इंसान, इकबाल ने डिफाइन किया है आपके जो है ह्यूमनिज्म को, आदमियत जिसको कहते हैं फारसी में, ह्यूमनिज्म आदमियत, एहतराम आदमी, बेखबर बाखबर शो अज मुकाम आदमी, तो इकबाल ने उसमें अपना तो नाम ही चीज करके तुम आदमी के मकाम को, मुकाम को। और आज ये कोई आपके जो है टीएस एलियट वगैरह ने तो आपके जो ये चीजें कही कि आप किस तरीके से अपनी माइनॉरिटी को ट्रीट कर रहे हैं, वो सिविलाइजेशन और महजिब और तहजीब है। तो इकबाल ने तो अपने कलाम में पहला बता दिया कि इस्लाम जो है और जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं वो एहतरा में आदमी है, क्योंकि मुकाम आदमी को पहचानना है, इस वजह से कि इंसानियत और आदमियत आपके नायबुल्ला फिल अर्ज है, यानी वही एक मौजूद है, यानी कि इकबाल का जो दबिस्तान इकबाल है इसका मरकजी महवर इंसान है, इंसान है।
और इस इंसान के साथ जो वाबस्ता चीजें हैं वो उसके साथ शामिल होती जाती है और एक बाल का जो हॉरिज जो एक स्केल है वो बढ़ता चला बढ़ता जाता है। जिस तरह बाल सवाल करते हैं कि चीस्त आदम चीस्त आलम चीस्त हक, यस, तो इसके अंदर भी जो मरकजियत है वो आदम को रहेगी, क्योंकि अगर मेरे लिए सब चीजें कारामद नहीं है तो होती रहे बेशक तो फिर किसी के लिए भी होती रहे। अगर मुझे हक के साथ ताल्लुक मेरा एक नहीं रास्ता बन पा रहा तो किसी का भी बन पा रहा है तो बनता रहे, मुझे उससे क्या फायदा है। बेशक तो सबसे पहला मसला तो इकबाल मेरा है, इकबाल मेरी बात करता है, इंसान की बात करता है, इंसान की बात करता है। यही इकबाल यही कहते हैं कि बरतर अस गर्दो मुखामे आदमस, यानी ये कहकशां से ऊंचा आपके जो है इंसान, हाँ, असल तहजीब एहतराम आदमस, यानी ये जो सिविलाइजेशन है। तो इकबाल पहले इंसानी कदरों की गुफ्तगू करते हैं जैसा अभी आपने कहा, लेकिन उसके बाद एतराज करते हैं, इसके बाद बताते हैं, क्योंकि इकबाल जो है इकबाल का कलाम इंसान साजी का शाहकार है। तो इकबालियात में या दबिस्तान इकबाल में जो दर्स पढ़ाए जाएंगे वो इकबाल के मंजूम कलाम से होंगे। इस दबिस्तान का टारगेट कोई खास एज ग्रुप है, कोई खास अदीब है, शायर है, कोई किस किस्म के लोग इस दबिस्तान से फायदा उठा सकते हैं? देखिए इकबाल के कलाम में, इकबाल के खतूत में, इकबाल के मलफूजात में, इकबाल के जो है रिकंस्ट्रक्शन जो खुतबात हैं, यानी इकबाल के पास हर एक दर्जे का आमी से लेकर आलिम तक, यानी हर कस की जिसकी जितनी आपके जरूरत है इस्तेतात है वो इस्तेफादा कर सकता है। जितना सब कदू है। जी हाँ जी हाँ, यूं समझिए कि एक दरिया बह रहा है, जो जो चाहे अपनी 10 एकड़ जमीन को सैराब कर ले, जो चाहे छोटे से अपने उतनी। तो इकबाल का कलाम को आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इकबाल ने यह किया है कि ये जो इंसान है जो खुदा का शाहकार है, ये जो इकबाल कहते हैं यही आदम है सुल्तान बहरोबर का, कहूं क्या मांजरा इस बेबसर का, ना खुद भी ने खुदा भी ने जहां भी, यही शहकार है तेरे हुनर का। तो इकबाल का अंदाज देख रहे हैं, लहजा देख रहे हैं आपके जो इकबाल बहुत तरीके से, क्योंकि इकबाल ये कहते हैं कि यानी इंसान जो है एक ऐसी अजीम शख्सियत थी मगर उसने अंधेपन से आदम अज बेबसरी बंदगी आदम कर गुलामी किया आदम, उसी तरीके से गौहरी दाश वाली नजर कबाओ जम कर उसके पास जो जवाहरात थे उसने हुक्मरानों के पैरों में डाल दिए, यानी फितरत के लिहाज से कहते हैं यानी अस्खुए गुलामी जे सगा खार तरस, यानी कुत्तों से भी गिरा हुआ भी फितरत में हो गया, मन न दीदम के सगी पेशे सगे सर खरम कर, मैंने कोई देखा कि किसी कुत्ते ने किसी कुत्ता सामने, लेकिन इंसान को देखा, इंसान को देखा, तो आप देख रहे हैं ये लहजा, यानी इंसान की फजीलत बयान करकर इंसान की ये सख्त मैसेज दे रहा है इंसान को। यहाँ एक बाल इशू कहते हैं कि झंझोड़ने वाला मैसेज, देखो कुछ पहचानो खुद को, यकीन जो लोगों के सामने सर झुकाते हो कभी किसी कुत्ते को भी देखा है, किसी कुत्ते के सामने कभी सर झुकाया हो, तो इंसान ये भी अंदाज है, ये सारे चीजें हैं कि जो आपको आपकी खुदी की तरफ लेके चले जाते बेशक बेशक, खुद शनासी भी है कि तुम पहचानो तुम कौन हो, अपनी खुदी पहचान। गाफिल अफगान जो कहते हैं, एक चीज जो देखिए दबिस्तानों में हमको सिर्फ आपके जो है तशखीस दी जाती है, लेकिन इकबाल का दबिस्तान अजीब है, तशखीस के साथ आपका इलाज भी देता है। सही इलाज तशखीस तो दे दिया कि इंसान आपके ना खुदबीन है ना आपके जो है जहांबीन है ना खुदाबीन है, लेकिन आपके जो है इलाज कर देते हैं, ये तो कमाल है दबिस्तान। तो मैं समझता हूँ हकीमुल उम्मत भी, हकीमुल उम्मत बहुत अच्छा कहा। तो ये दबिस्तान ऐसा है जो आपके जो शिफाखाना भी, शिफाखाना भी सही। तो कहते हैं कि शाहिद अव्वल शूर खीश्तन, बिल्कुल सही, यानी पहला जीना ये है कि तुम खुदबीन हो जाओ, खीसरा अपनी नजर से देखो अपने, हाँ खीसरा दीदन बनूर खीश्तन, यानी अपने आप को अपने जमीर की रोशनी में देखो। फिर दूसरा स्टेप ये है कि अपने आप को दूसरों की आपकी रोशनी में देखो, और तीसरे कहते हैं शाहिद सालिस, तीसरा जो जीना है शूर ज़ाते हक, जो शरीयत है, जो तरीकत है, जो कुरान मजीद है, जो आपको नाप कर हाँ, तीसरा दीदन ब नूर ज़ाते हक, यानी कि हम देखते हैं कि आखिर में खुद एहतसाबी के बाद और जिसको जहां आदम ने कहा था कि जिसे बुरा कहे दुनिया उसे बुरा समझो, जबान गैर आदम का या किसी का जे, 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 वो बात है कि लोगों के तुम्हारे बारे में क्या क्या कर रहा है उसको वैल्यू दो, समझो समझो बिल्कुल, जो लोग कुछ देख के बात करते हैं बारे में बिल्कुल, और बाज जगह ये कहते हैं कि अपने नफ्स अम्मारा पर इस तरह से हमला करो जैसे कि एक चीता आपके हिरन पर हमला करता है। यानी इकबाल का दबिस्तान जो है
نہ صرف تشخیص دیتا ہے بلکہ اس کا درمان اور اس کا علاج بھی دیتا ہے، کافی مشکلوں میں ڈال دیتا ہے. وہ ہے اقبال، اقبال جو ہے انسان کو پورا آپ کے جو آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو اٹھا دیتا ہے. اسی وجہ سے اقبال آپ سو رہے ہیں تو اٹھا دے گا، اٹھے ہوئے ہیں تو بٹھا دے گا، بیٹھے ہوئے ہیں تو چلا دے گا، چل رہے ہیں تو دوڑا دے گا، تو یہ مشکلوں میں ڈالتا ہے. نہیں اسی وجہ سے تو کہا، اسی وجہ سے تو اقبال نے شاہین رکھا کہ آپ کے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. تو یہ جو ہے ایک پرندے سے جو پرندے کو جو امتیاز دیا ہے اقبال نے، پرندے کو آپ کے جو ہے اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ پرندہ بڑا فعال ہے، یہ کبھی اپنا گھر نہیں بناتا، یہ غیرت مند ہے، یہ دوسروں کا آپ کے مارکا ہوتا ہے، بلند نگاہ ہے، یہ آپ کے گھر نہیں بناتا، یہ بلکہ کشاں میں اس خاکدار سے کنارا جہاں رزق کا نام ہے آبودان، پرندوں کی دنیا کا درویش کے شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو اقبال کے کلام کو اگر آپ دیکھا جائے تو مرکزیت جو ہے انسانی قدرے ہیں، مرکزیت ہر ملک ماس، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس. تو یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کو کہہ دے مقامی سے نکال کے ایک آفاقیت آپ کو بخشتا ہے یقینا، اور وہ صرف ایک دنیا کی حد تک بھی نہیں، آپ کو تو وہ شاہین شاہ لولاک بنا دیتا ہے. شاہین کبھی بناتا ہے، کبھی آپ کے مرد مجاہد بناتا ہے، کبھی مرد مومن بناتا ہے، کبھی آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ بناتا ہے کہ خلیفۃ الارض بناتا ہے، لیکن وہ رونا بھی آپ کے جو ہے اور وہ آئینہ بھی دکھاتا ہے کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے اور تم کو کیا ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دیوارا، تو معلوم یہ ہوا کہ دبستان اقبال جو ہے صرف آپ کے درس ہی نہیں دیتا بلکہ تشخیص بھی دیتا ہے، علاج بھی کرتا ہے. تو ہر چیز اس دبستان میں، اس کے بعد یقین سے کہتا ہے کہ یہ علاج کرو گے تو یہ صحیح ہے، یہ گارنٹیڈ ہے، یہ آزمائے ہوئے نسخے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے آپ کے جو ہے اپنے میسج کو قرآن مجید سے اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں احادیث نبوی سے پوری طریقے سے جوڑا ہے. اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں اسرہ در اوراق او پیچیدہ، یعنی آئے قیامت تک جو مسائل آئیں گے دنیا میں یہ قرآن مجید آپ کے اس کا حلال مشکلات. ایک جگہ پہ تو کہتے ہیں کہ کتاب ہے ہی نہیں، یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر، چیزیں دیگر، یہ تو کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو چیز ہی بالکل صحیح ہے، یہ چیز اور ہے جس میں آپ کے مسائل ہیں. اور وہ کہتے ہیں مگر کیا ہے اس کتاب کو تو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھتے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب تک تو یہ کتاب پڑھے کہ اپنے اوپر اس طرح سے پڑھیں آپ، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ڈاکٹر صاحب اگلے ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم اسی موضوع کو اقبال اور قرآن کو ہی فوکس کرتے ہوئے بات کریں گے، اور اس سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے اور کس حد تک جڑا ہوا، اور ہم اس کس کس قسم کی اقبال نے قرآن سے سبق لینے کی کوشش کی ہے. تو اگلا ہمارا سیگمنٹ ان شاء اللہ اس کے اوپر ہوگا. ناظرین آپ سب ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal accounts and tax needs. He will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بریک سے پہلے ہم نے موضوع گفتگو بنایا تھا اقبال اور قرآن کے موضوع کو. اس حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اقبال اس کو اپنے لکھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، بتاتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا تو قرآن ایک معمول تھا، پڑھا کرتا تھا صبح اٹھ کے روزانہ. تو ایک بار والد صاحب پاس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اقبال کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں.
तो कहते हैं अच्छा मैंने तुमसे कभी बात करनी है लेकिन इस मौके पर नहीं, फिर कभी बात करूंगा। तो चले जाते हैं। तो इकबाल को बड़ी एक तशनगी महसूस होती है कि वालिद साहब क्या बात करना चाह रहे थे। तो बहरहाल कुछ ऐसा गुजरता है, तो फिर इकबाल दोबारा ऐसा वाकया होता है, तो इकबाल उनसे पूछते हैं कि वालिद साहब आप मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे। तो उनके वालिद जो शेख नूर मोहम्मद उनसे कहते हैं कि बेटा जब कुरान पढ़ो तो ऐसा पढ़ा करो कि जैसे तुम पे नाजिल हो रहा है। तो इसी वो चीज के ऊपर हमने जो पिछले सेगमेंट के अंदर भी एक शेर की हमने जिक्र किया था कि इकबाल कहते हैं कि तेरे वजूद पर जब तक ना हो नजूल किताब, गिरा कुशा है नाराजी न साहिब कशाफ। और फिर वो एक और जगह पे कहते हैं कि वो जमाने में मौजज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक के कुरान होकर। इकबाल का कुरान के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। एक बार इस बारे में बहुत वाजे हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है, अपना खुदी का फलसफा भी, इवन इकबाल एक स्कॉलर से कहते हैं कि मैंने जो अपना खुदी का फलसफा है ये भी कुरान से ड्राइव किया है, सूरह हशर की आयत से, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों की तरह मत हो जाना कि जिन्होंने खुदा को भुला दिया और खुदा ने उनको ये भुला दिया कि वो खुद कौन है। तो इकबाल का सारा महवर, इकबाल का सारा फोकस, जैसे तकी आबिद साहब ने भी जिक्र किया कि वो कुरान है, तो हम आज इस सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे कि इकबाल का और कुरान का ताल्लुक क्या है और किस किस्म के अशार हमें इकबाल के पास नजर आते हैं कि जिसके अंदर इकबाल कुरान का जिक्र करते हुए या कुरान से कुछ सीखते हुए नजर आते हैं। तकी साहब क्या है इकबाल का और कुरान के ताल्लुक के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिये उलमाए इकबालियात ने यह कहा है कि अल्लामा इकबाल जो है कुरान के दिमाग से सोचते थे, कुरान की आंख से देखते थे और कुरान के कानों से सुनते थे। मानी यह है कि इकबाल फनाफिल कुरान थे। और वो जो शेर आपने कहा कि तेरे जमीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, तो कहने का मतलब यह है कि आंख किताब, एक जगह कहते हैं कि यह किताब 1400 साल पुरानी नहीं है बल्कि ये किताब जिंदा आंख किताब जिंदा कुरानुल करीम हिकमत ला यजालस तो कदीम, यानी कयामत तक ये इसकी हिकमत और इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इस वजह से उसको किताब की तरह तो ट्रीट ही नहीं करते नजर आते जी, नहीं उसको पयाम कहते हैं, चीज की तरह से डील कर रहे होते हैं कि उसे बात कर रही है, गुफ्तगू कर रही है, इसको कहते हैं, खुद इकबाल कहते हैं नौ इंसारा पयाम आखरी हासिल उ रहमतुल आलमी। तो मानी ये हुए कि ये कयामत तक जो है आखिरी पयाम है और ये रहमत का आपके जो है एक पूरा सहीफा है जिसमें रहमत की है। मगर हुशदार देते हैं मुसलमानों को कि गर तुम ही खाही मुसलमान जीस्ता, हाँ अगर तू चाहता है कि मुसलमान बाकी रहे यानी अल्लाह की फितरत इस्लाम से रहे, नीस्त मुमकिन जूज कुरान जीस्तन, कुरान बगैर तू जिंदगी नहीं कर सकता। और एक आतन का माने एक उसको बिछोना नहीं बना, और वही आपके फिर एक जगह जो है आगे बढ़ के कहते हैं रमज कुरान अज हुसैन मोख्तम। देख रहे हैं आपके अगर इन शेरों को मिलाया जाए जे आतिश शोलहा अंदाख्तम, यानी ये जो सूजिश सीना है मेरी, ये जो आपके जो है अफकार में जो है, ये जो है मैंने आपके जो है इस्तेदाद और जुल्म के खिलाफ जो नुमाइंदगी हुसैन ने की है उससे मैंने हासिल किया हूं। यानी मालूम यह हुआ कि बड़ी सी बड़ी ताकत अगर बातिल पर हो कि वो क्या चीज थी कि जो तमाम हुसैन को उस जगह पे ले जाती है उठा के, इसी वजह से तो कहा ना बड़ा एक स्टेप उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसीलिए तो कहा किताबे जिंदा है। जी हाँ किताबे जिंदा नबवी है, वो सिर्फ आपके हक की वजह से, बहरे हक दर खाके खून गलती दास। इमाम हुसैन बहरे हक आपके जो है खाक व खून में गलत है, पस बिनाए ला इला गर्दी दास। तो इकबाली के शेरों से अगर इकबाल को देखा जाए तो मालूम ये होगा कि कुरान मजीद जो है आपके कुरान मजीद को वो महवर बनाते हैं और उनका जो है मोमिन को तो वो कहते हैं कि ये असल में है ही कुरान, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, तो मालूम चलता फिरता कुरान है। जी हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, अभी बुरहान भी तो कुरान ही मतलब टर्मिनोलॉजी है। अब आप देखिए जी खुलू अल्लाह की जो आपके जो 115 अशार में जो की है, अब अल्लाह समद दो शेर मैं बताता हूं, गरबा अल्लाह समद दिल बसते ही, अगर तुमने अल्लाह समद से अपने दिल को जोड़ लिया अज हदे अजबाब बीरुन जस्ते ही, इस तमाम इन मुश्किलात से तुम अब छलांग लगा दोगे, क्यों बंदे हक बंदे असबाब नीस्त,
ये जो अल्लाह का बंदा है वो आपके जो है सर्वत और दौलत का बंदा नहीं है, और जिंदगानी गर्दिशे दोला अपनी बेनियाज का बंदा भी बेनियाजी होता, बेनियाजी होता, यानी वही सीखना। जैसे दोला आपके डोल होता है जो भरता है और खाली करता है, अगर हम पैसे कमाएं और खबर में आपके तन्हा हाथ चले जाएं, बगैर आमाल के चले जाएं, तो कहते हैं जिंदगानी गर्दिशे दोलाब नीस। तो इकबाल जो है कुरान मजीद से पूरी तरीके से, और अभी जैसा मैंने कहा कि फरमाया कि ये 1400 बरस की किताब नहीं, असरहा दर औराखेऊ पीचीदास, तो इकबाल का कलाम आपके कुरान मजीद से इकबाल ने बहुत कुछ इस्तेफादा किया है, और इस पर बहुत हमारे उलमाए इकबालियात ने किताबें भी बड़ी बड़ी लिखी हैं, जिससे मालूम यह होगा कि एक पूरा फिर वही जो आफाकियत है कुरान से बताते हैं। एक जगह कहते हैं कि मेरा मकसद इस्लाम की आपके जो है वकालत करना नहीं है, बल्कि एक तरक्की याफ्ता आपके जो है इस मुआशरे की तश्कील है, जिसमें इंसानियत आपके जो है पूरी तरीके से बराबर हो जाए। तो यकीन है पुख्तगी से इस पे खड़े हुए हैं कि वो कुरान ही दे सकता है, वो कुरान ही है, वो फलसफा कुरान ही के बिल्कुल, और कोई फलसफा आपको उस तरफ जो एक एक, एक ब्रदरहुड का कंसेप्ट है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट है, वहां तक लेके जाने के काबिल ही नहीं है कोई फलसफा। बिल्कुल सही है, इसलिए मुसलमानों के नहीं, मुस्लिम कोई यूनिवर्सल अख़वानुल मुस्लिमीन की बात नहीं हो रही, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात नहीं हो रही, एक आला ब्रदरहुड की बात। मैंने मसला यह है कि इकबाल आपके इंसान को और कुरान मजीद जो है इसीलिए फरमाया कि हुजूर ने फरमाया मस्जिद मन ई हमें रूए जमीन, तमाम हुजूर की मस्जिद आपके जो है पूरी जमीन है, तो मालूम यह हुआ कि ये रब्बुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन है। तो इकबाल इस आफाकी, और इकबाल ने कहा कि यह रमज ला इलाह मैं इस वजह से रखा हूं, यह सिर्फ आपके तौहीदी फलसफा नहीं है बल्कि यह आफाकी फलसफा है कि अगर तू एक सजदा करेगा तो हजार सजदों से तुझे निजात मिलेगी। तो मालूम यह हुआ कि इंसान का जो एहतराम है और इंसान की जो कदरों की नुमाइश है, वो इकबाल का मकसद है आपके जो है पैगाम है। और जो कुरान बारे में वो लिखते हैं अपने एक जगह के ऊपर अंग्रेजी में, कहते हैं कि the essence of tawhid in a work as a working ideal is unity, solidarity and freedom. freedom jo hai aapka solidarity, wahi as a tawhid ka jo essence hai, yeah, wo in cheezon pe dekhiye. jab aap jate hain kaabe mein, iqbal aapke jo hai kaabe ke atraf kehte hain allahumma labbaik allahumma labbaik, iqbal farmate hain ke haram ya kaaba jis qiblae qalbo nazar nis, ye aankhon aur dil ka sirf qibla nahi hai, तवाफे उ तवाफे बामो दरनीस, इसका जो तवाफ हम कर रहे हैं उसके दरवाज का नहीं है, मियाने माँ वो बैतुल हराम रामजस, एक हमारे और इस काबे के दरमियान एक रज रामज है कि जिब्रील अमीरा हम खबर नहीं, कि जिब्रील जो मलायक है आपके जो है मलक हैं आपके रईस से मलायक हैं उनको भी नहीं मालूम, यानी मालूम यह हुआ कि यह रिश्ता जो अब्द और माबूद के दरमियान है इकबाल उसकी तवानाई कर रहे हैं। इस वजह से कहते हैं ए तायरे लाहूती, इकबाल ने हमको तायरे जबरूती नहीं कहा, तायरे नासूती ने कहा, तायरे मलकूती ने कहा। तो मालूम यह हुआ, मालूम यह हुआ कि कुरान की रोशनी से इकबाल इंसान के आपके जो है फजीलत को आश्कार कर रहे हैं कि तू क्या है, खुदा ने तुझे क्या बनाया है और किस तरीके से तू आगे बढ़े, शाहीन शह लौलाक है शाहीन चौन। तो अगर उसको जमा किया जाए तो मालूम यह हुआ कि इसी वजह से हुजूर ये दीन मोहम्मद ही है, ठीक, इसी वजह से कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, आखिरी जी हाँ तमाम मसाइल का हल इसमें दे दिया, और क्योंकि वो फरमाते हैं कि इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, तरह इश्क अंदाज अंदर जाने खीश, ताजा कुन बा मुस्तफा पैमाने खीश, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहे कलम, या तो ये फलसफे इश्क को जो कुरान और अहादीस और नासम तो कहते हैं ना कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते, यानी कि इसमें मोहम्मद से उजाला करने का मकसद ये है कि इश्क के पैगाम को आम कर दो, इस वजह से कि वही एक दानाए रसूल खत्मुल रसूल, दानाए सुबुल खत्मुल रसूल, मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, आप देख रहे हैं फरूगे वादिये सीना, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताह। तो आपने देखा कुरान की मजार पे जी हाँ जी, तो वही कुरान के चारों चीजों को लगा दिया है, वही कुरान है वही फुरकान है
वही ताहा है, वही यासी है। तो मालूम यह हुआ कि जाते अकदस से पैगंबर अकरम को आप जुदा नहीं कर सकते आपके जो है, इस वजह से कि ये जो कुरान आया है वो उन्हीं का है कि कहते हैं कि मीन अदारी तुम जानते हो इश्को मस्ती अस्कुजास, ये मार्फत खुदा खुदाई और नबुवत की आपकी मोहब्बत कहां से, इन शुआए आफ्ताब मुस्तफा। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जैसा कहा बिल्कुल सही है कि मकसद आपके, इसी वजह से जब तक ये दिल से बात ना निकले, मानी क्या है कि जब तक ना हो नुजूल, तो मानी यह है कि तू दिल से गवाही देगा, तू जब दिल से गवाही देगा, अरब हुआ जब हो तेरा ला इलाहा इल्ला लुगत गरीब जब तक तेरा दिल ना दे गवाही, वही बेदार ये दिल, जैसा कहा है कि काफिरी बेदार दिल पेशे सनम बेहब दीनदारी के खुफ अंदर हराम, एक काफिर बेदार दिल के साथ अपने बुत के सामने उस मुसलमान से बेहतर है जो काबे में सो रहा है। तो आप जरूरत तो मालूम यह हुआ, यह हकीकत है, यह हकीकत है, देखिए इस बात को नहीं पहचानेंगे तो कुछ नहीं पहचानेंगे। इसीलिए दुआ में जो पहला शेर किया है रोमज खुद में, या रब दुरून सीने दिले दिले बाखबर बेदित, मेरे मालिक मेरे सीने के अंदर एक दर बादा नशरा निगरम उ नजर बेदित, यानी शराब के अंदर मैं नशा देख सकूं, यानी मानी क्या है, यानी कुरान मजीद की आयतों के अंदर उसकी जो आपकी जो अजमत है उसको मैं देख सकूं। डॉक्टर साहब इकबाल और कुरान के ऊपर बात हमने जो शुरू की तो उसके बाद जहन में जो बात आती है अगला के बारे में, कहते हैं कि मसनवी है मौलवी है मानवी, क्या कहें हस्त कुरान दर जबान पहले, तो और इकबाल भी अपने आप को कहते हैं कि मैं मुरीद हिंदी हूँ, तो क्यों ना हम अपना जो अगला सेगमेंट है उसको इस मौजू से लेके हम चलें इकबाल और रूमी की जानेब, और ये देखें कि इकबाल जो मुरीद हिंदी है वो पीर रूमी के साथ किस तरह से ताल्लुक रखता है और उस जो उससे क्या कुरान सीखता है, क्या ख्याल है आपका? बहुत उम्दा वो है, क्योंकि आपके जो है इस पीरो आपके जो है मुरीद के बारे में इकबाल ने सबसे ज्यादा शेर आपके जो है मौलाना रूम पे कहे हैं, और उसके बाद और सबसे ज्यादा शेर अपने कलाम में तजमीन भी किए हैं मौलाना रूम के। ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर। ख्वातीन हज़रात एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट, इसको वक्त की ऐसे तंगी है कि जिसके अंदर बहुत सी चीजों को बहुत जल्दी समेटना पड़ रहा है, वहीं ख्वाहिश तो यह है कि इसके ऊपर घंटों क्या दिनों बात होती रहे इस मौजूद के ऊपर और सीखते चले जाए इससे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इकबाल और रूमी हस्त कुरान दर जुबान पहलवी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर तकी आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। कैपिटल मोटर्स एंड कैपिटल ऑटो 100 से भी ज्यादा यूज्ड गाड़ियों की ह्यूज इन्वेंट्री के साथ अफजल चीमा बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस लिए, और कैपिटल ऑटोज अ कंप्लीट ऑटो रिपेयर सेंटर 7 डेज अ वीक सुबह 8 से शाम 8 बजे तक। ऑटो रिपेयर और यूज्ड कार सेल में एक बात मात नाम कैपिटल ऑटो एंड कैपिटल मोटर्स। कैपिटल मोटर्स एंड कैपिटल ऑटो 202 डंडा स्ट्रीट वेस्ट मिसिसागा हाईवे 10 एंड डंडास के इंटरसेक्शन पर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल नाउ 416-873-9656। वेलकम बैक ख्वातीन व हज़रात, इकबाल डे का प्रोग्राम जारी है, तीसरा सेगमेंट है जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें दबिस्तान इकबाल के हवाले से बात की, द स्कूल ऑफ इकबाल कैसे इकबाल से इस्तेफादा उठा सकते हैं, उसके बाद हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की कि इकबाल और कुरान, इकबाल का कुरान से ताल्लुक क्या है, और यही मौजू हमें ले आया इकबाल और रूमी के मौजू की तरफ, जिसमें इकबाल कहते हैं कि मैं मुरीद हिंदी हूँ और जो मौलाना रूम है वो पीर रूम है मेरे लिए, और फिर कहते हैं कि इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खैरत पे है गालिब फरंगियों का फसूं। तो कुरान के हवाले से और रूमी के हवाले से इकबाल बहुत इमोशनल नजर आते हैं हमें, कोई ऐसा ताल्लुक इनका नजर आता है कि जिसके बारे में वाकई एक इस तरह एक माँ का होता है। इकबाल ने जो नज़म लिखी पीरो मुरीद उसके अंदर भी इकबाल सवाल करते हैं रूमी से
کہ کچھ بےچانی کا اس میں اظہار کرتے ہیں تو رومی کی طرف سے جواب لیتے ہیں کہ سوے مادر آ کہ تیمارت کنر کہ کم ٹو دی مدر ماں کی آغوش میں آ جاؤ کہ تمہاری تیمارداری کی جائے. تو یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح ایک بال رومی کو اپنی ماں کی طرح سے بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑا ایموشنل سا ایک تعلق نظر آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ تعلق کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ اقبال کا رومی کا بہت ایموشنل قسم کا تعلق نظر آتا ہے ہمیں, 800 سال کا فرق. یقیناً اس وجہ سے تو کہا تھا کہ جو ہے دیکھیے وہ جو مسائل پیش آئے تھے رومی کو اپنی لائف ٹائم میں جی. یعنی ایک آپ کی حکومت کا زوال, آپ کے خلافت کا زوال جی. اور اسی طریقے سے چنگیزیوں کا حملہ جی. اقبال کے پاس بھی آپ کے جو ہے مغل امپر کا جی. زوال, عثمانی آپ کے خلافت کا زوال جی. اور انگریزوں کی کولونائزیشن سے جو ہے آپ کے مسلم ممالک کی تباہی. تو پھر کہتے ہیں نا کہ وقت آ گیا ہے کہ رومی کے میخانے کو دوبارہ کھولا, دوبارہ کھایا حرم دیدن جی. بالکل کہتے ہیں چرومی در حرم دادم ازامن, یعنی میں رومی کی طرح سے لوگوں کو پکارا ہوں. ازو آموختم اسرار جامن, میں نے اس سے اسرار بھی اور رموز بھی حاصل کیے ہیں. بدور فتنے عرصے کوہن او, وہ مسیحا ہے اپنے پرانے زمانے کا. بدور فتنے اثر دورا من, اس دور کا جو رومی میں ہوں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن, اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جی ہوں. دیکھیے جیہون دریا ہے, ایک دریا کوزے میں جو بن کر لے صبح کے صبح کو. تو کہتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں جو اقبال کے کلام کو آفاقی بناتی ہیں, یعنی ایمان و اخوان, قرآنی روشنی, خودی و عرفانی, اور مولانا روم کی مریدی اور آہ سحرگائی. تو آپ نے جو سوال کیا ہے سوال یہی ہے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ مولانا روم سے پورا اتفاق کرتے ہیں, جہاں پر کہتے ہیں مرشد رومی چ خوش فرمودس, کتنی خوبصورت طریقے سے مرشد رومی نے کہا, آنکھ یم در خطرش آسوداس, ایک قطرے میں ایک سمندر کو سمو دیتے ہیں مولانا روم. کبھی کہتے ہیں زے اشار جلال الدین رومی ب دیوار حریم دل بیاموس, مولانا روم کے اشعار سے اپنے دل و وجدان اور عشق و شوق کی دیوار سے متصل ہو جا. کبھی کہتے ہیں جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی, کبھی کہتے ہیں بکام خود دیگر آنکھ کوہنا میں ریس, یعنی اپنے دہن میں اپنی عقل کے جو ہے دماغ میں تو یہ پرانی شراب کو ریکھ, ب دیوار حرم دل بیاویس, اور مولانا کی جو ہے فکر سے متصل ہو جا. لیکن ایک چیز ہے نعمان صاحب, وہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ اتنے ساتھ ہیں, لیکن جہاں پر آپ کے یہ دیکھتے ہیں کہ فضیلت انسان میں کچھ فرق آتا ہے یا صحیح میں کچھ کمی آ رہی ہے یا صحیح انسان میں, یعنی اقبال کے پاس آپ کے جو ہے انسان حرکت ہے, انسان متحرک ہے, انسان جو ہے کوششوں کا پتلا ہے. حرکت ہے تو انسان ہے, اقبال کے نزدیک تو انسانی نہیں. تو اسی وجہ سے جو مولانا روم نے کہا تھا کہ زمانہ باتو نہ سازت باتو زمانے بے ساز, اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے کے ساتھ چل, یا آپ کے حالی نے کہا چلو جدھر کو ہوا ہو ادھر کی. تو اب کہنے کا علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث بی خبر آس ب زمانے بے ساز, یہ بے خبروں کی آپ کی حدیث ہے کہ تو زمانہ باتو نہ سازت تو زمانے ستیس, اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے سے لڑ کر اپنی طرح سے کر لے. یا ایک جگہ مولانا روم نے کہا تھا, دیکھیے اس کو ایک پہ کہتے ہیں انگریزی کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ زمانے کا حصہ بن جاتے ہیں اور جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ زمانے کا حصہ بن جاتے. وہی اقبال جو ہے وہی اقبال کے فلسفہ تو یہی فلسفہ آپ کے جو ہے جہد کا اور مرد آپ کے پاور فل کا ہے, سپر مین کا ہے. جیسے اقبال آدھے گلاس کو جو ہے مولانا روم نے آدھے گلاس کو فل دیکھا, کہا کہ چشم بند ہو گوش بند ہو لب بے بند, یعنی تو آنکھوں کو بند کر لے, کانوں کو بند کر لے اور منہ کو سی لے. ہاں گر نبینی راہ حق برمن بخند, اگر تو راہ حق نہیں دیکھتا تو مجھ پر ہنس. اقبال اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں چشم گوش و لب کشا اے ہوش مند, آنکھیں کھلی رکھ دہن باز کر, کانے کھلے رکھ گر نبینی راہ حق برمن بخند, تو اگر اس وقت تو راہ حق نے دیکھے گا تو مجھ پر ہنس. معنی یہ ہوئے کہ مرید آپ کے جو ہے رومی سے پوری طریقے سے استفادہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں ہم خوگر احساس ہیں ساحل کے خریدار, ایک بحر پورا شو وہ پر اسرار ہے رومی, تو بھی ہے اسی قافلے شوق میں اقبال, جس قافلے شوق کا سالار ہے
इकबाल है रोमी, इस असर को भी उसने दिया है कोई पैगाम, कहते हैं चरागे रहे अहरार है, आजाद बंदों की जो दुनिया है उसके अंदर एक चराग की है। तो मालूम यह हुआ कि सबसे ज्यादा शेर मौलाना रोम पर लिखे, सबसे ज्यादा शेर तजमीन किए, यहां तक फनाफेड रोम, यहां तक कि जावेद नामा शुरू होता है दी शेर के एक चराग आपके जो है मौलाना रोम के आपके जो है शेर से शुरू होता है, और जावेद नामे को भी अपने साथ जो ले जाते हैं आपके जो है, तो वो आपके जो है मौलाना रोम को ले जाते हैं। मुझे याद पड़ता है कि पहले किसी जमाने में पढ़ी थी मुमताज मुफ्ती की किताब है लबैक जी, जिसके अंदर उनका हज का वाक्य उन्होंने लिखा, सारी सर कुछ बयान की उसमें, तो उस पर टाइटल पर शेर लिखा हुआ था कि नी मैं जाना ढोक रांझन दी, कि मैंने रांझे की के गांव जाना है, नाल मेरे कोई चल ले, अच्छा को मेरे साथ चले जी। तो वो चाह रहे थे कि जो कुलतुला शाह थे उनके साथ जाए वहां जी, 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 जी। ऐसे शख्स के साथ जाया जाए कि जिसको पता हो कि वहां पे क्या है। तो मालूम होता है कि जावेद नामे का सफर भी इकबाल की जो आसमानों के सफर पे मैंने जाना है, तो जो नाल मेरे कोई चल ले, मेरे साथ कोई वो शख्स चले जो जानता है कि आसमानों की, जैसे दीवान कॉमेडी में, जवान कॉमेडी में डांटे के साथ वर्जिल चलता है, तो यहां पर आपके जो है मौलाना रूम चलते हैं, और मौलाना रूम से जो इस्तेफादा किया है, जो सवालात किए हैं, जैसे आपके जो है वो आप जानते हैं कि नौ नुकाते आरिफ हिंदी, हाँ, और मौलाना रूम कहते हैं विश्वन जहां दूध से कि ये इकबाल है, ये जिंदा रूद है, वो कहते हैं जब तक जब तक के मबलग इल्म इस शख्स का मैं दरियाफ्त ना करूं, मैं नहीं मानूंगा, तो उससे देखिए दो सवाल करते हैं, कहते हैं उसने पूछा गुफ्त मर गए अखल, मौत अखल की कैसी होती है, अल्लाह तकरे फिक्र को छोड़ दिया तो अकल गुफ्त गुफ्त मर गए खल गुफ्तम तर्क जिक्र गुफ्त तन, ये तन किस तरह से बनता है जिसम, गुफ्तम राह गर्दज राह ज़ादे राह, और गुफ्त जहां गुफ्तम रमज़े ला इलाह, तो रमज़े ला इलाह की, तो मालूम यह हुआ कि वो तुम्हें हर मुर्ख के अंजीर नहीं, यानी हर एक मुर्ख को आपके अंजीर हिसाब नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने मौलाना रूम से पूरी तरीके से इस्तेफादा किया है और कदरों को वहां पर जमा किया है, तो ये मौलाना रूम से उनका आपके इसने इकबाल को दाना बना दिया, इसने आपके जो है दानाई आपके जो है, आप देखते हैं कि ये जो सुरूदे रफ्ता बाज आयत के ना आयत, इकबाल बहुत ही इज्जत इंकसारी का शख्स है, लेकिन ये जो कहता है कि सुरूदे रफ्ते बाज आयत के ना आयत, नसीमी अज हिजाज आयत के ना आयत, सरामद रोजगार ई फकीरी दिगर दानाए राज आयत के ना आयत, मैं कहूंगा इकबाल 160 साल के करीब आपके 50 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, अभी कोई दाना राज नहीं आया, तुम जाकर आपके 70 साल के करीब हो चुका है, अभी दाना राज नहीं आया, मगर इकबाल जानते हैं कि इस, मगर इकबाल का दिल दर्द करता है कि कहते हैं आशनाए मन से मन बेगाना रफ, तो हाजरीन और आप लोग जो हम लोग जो आपके इकबाल डे करते हैं उसकी वजह यही है कि इकबाल ने एक गिला किया था कि आशनाए मन ज़े मन बेगाना रफ, ये मेरा जो दर्द जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया था वो आपके जो है मुझसे बिल्कुल अजनबी होकर निकल गया, अस खुमस्ताने तही पैमाना रफ, मैंने तो सुराहियां भर भर के रखी थी आपके जो है ख्यालात की, अपना पैमाना खाली ले गया, तो इसी वजह से इकबाल कहते हैं कि मन के नौ उम्मीद अमजे पीरे कोहन दारम अज रोजी के मी आयत सुखन, आज इतने 70 साल अल्लामा के गुजरने के बाद आज उनकी 100 आपके जो है 50वीं आपके 140 साल की सालगिरह पर हम ये कहते हैं कि उनकी दुआ यही थी, बड़ जवाना सहल कुन हरफे मरा बहराशों पाया कुन जरफे मरा। डॉक्टर यही हमारा काम है, आप देखते हैं कि हमारे जो फेसबुक का पेज है हमारा इंटर्नशिप बात सोसाइटी का फेसबुक पे 80 लाख लोग माशाल्लाह उसको फॉलो करते हैं। आज जो रूमी के ऊपर मैंने जो गुफ्तगू शुरू की थी कल, बेसिकली एक सवाल ही था जिसके ऊपर एक दोस्त ने किया था, तो मैं कहा वो सवाल का जो मैंने रात को जवाब देना है तो आप ही से उस जो सवाल का जवाब लेके दे दिया जाए तो आसानी हो जाएगी। तो अदरवाइज ये है कि जवानों में तो बहुत तड़प हमें तो कम अज कम नजर आती है और पूरी दुनिया के अंदर आती है नजर, अब उनके लिए जो इकबाल की जो दुआ थी कि सहल कुन हरफ मरा जो खुदा से दुआ की थी, तो शायद खुदा ने भी तो कुछ लोगों को इस्तेमाल करना होता है ना अपना काम करवाने के लिए भी, तो मेरे ख्याल में कि संजीदगी की बहुत जरूरत है इस मामले के अंदर, के जो लोग जानते हैं वो कुछ, मैं अक्सर असाधा से भी कहता हूं कि आपने यदि किताबें लिख दी समझा ही दें,
بالکل کیا لکھا ہے اور کیا بات ہوئی اور اقبال کے اشعار سنیے کہ جو ہے جو جوانوں کو کہتے ہیں کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا شوق میری نظر بخش دے میرے دیدے تر کی بے خوابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں امنگیں میری آرزویں میری امیدیں میری جستجویں میری یہی کچھ ہے ساقی متائے فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے آج ہم یہی ٹھکانے لگا رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے کہ جوانان جانے کہ یہ ندرت عمل کے ساتھ اور اقبال نے فکر انسانی کے ساتھ جو عظیم چیزوں کو ہم تک پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں باقی تو بہت یقین ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ہوگا اور یقین ہے ظلمت نیم شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کیا کہنے شرر فشا ہوگی آہ میری نفس میرا شولہ بار ہوگا اور وہی نفس کی شولہ باری ہے کہ آج ہر جگہ آپ کے اقبال کا ذکر ہو رہا ہے اور اتنی مخالف قوتیں ہونے کے باوجود بھی ہواؤں میں چراغ جل رہا ہے ہمارے استاد تھے کہتے تھے کہ ہم نے تو پچھلے 70 سالوں میں اقبال کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اقبال کھڑا ہے تو اپنے ہی زور پہ کھڑا ہے جی جی بالکل صحیح ہے مگر اقبال آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک پوری آپ کے ایک روشنی ہے اور روشنی کو آپ کے جو ہے ظلمت ختم نہیں کر سکتی بلکہ روشنی ظلمت کے سینے چیرتے ہوئی انسانوں تک پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہیں ہم کہ اقبال نے یہ کام کیا اور اس سے وہ کہتے ہیں نا آپ کے اس کے لیے ایک آخری چیز رہ گئی تھی ایک شعر اس پر بھی کر دیتے ہیں وہ ہے آہ سحرگاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی یہی ٹیک ہوم ہے جس آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہر گفتگو کو انہوں کو ٹیک ہوم ہونا چاہیے بے شک بے شک سے کچھ اخذ کرنے کی چیز ہونی چاہیے تو جب ہم بات کرتے ہیں اقبال اور قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں اقبال اور رومی کی جب ہم بات کرتے ہیں دبستان کی تو ایک چیز تو بہت واضح نظر آتی ہے کہ اس کے اندر اقبال کی آہ سحر گاہی کو بہت بڑا ہاتھ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے تو ان شاہین بچوں کو بالو پر دے آہ سحر بالو پر کہتے ہیں خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے تو معلوم یہ ہوا کہ یہی آہ سحر اقبال کو پڑھنا ہے تو آہ سحری سے جو ہے وہ آپ کی بچت نہیں ہو سکتی راتوں کو جاگ کے ہی واسف والے واسف فرماتے ہیں کہ فقیر صرف رات کو جاگتا ہے فقر اس پہ نازل ہوتا ہے کیا کہیں تو یہ وہ چیزیں وقت ہیں وقت ایسا ہے جو کوئی تہجد کا وقت کہہ لیجئے سحر کا وقت کہہ لیجئے اس کے اندر بہت امپورٹنس ہے اور اقبال بنتا ہے اسی وقت کے اندر اٹھ کر اور اپنے اس نماز سے بھی اس قرآن سے بھی اس سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو سنگ کر کے رکھ کے پھر آپ جانتے ہیں کہ واقعی اقبال کا پیغام کیا ہے یقینا اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میری کتابوں کو پڑھنا ہے تو رات کو پڑھو اسی وجہ سے تو جو ہم نے اس مختصر وقت میں دیکھیے یہ پانچ قوتیں جو تھیں یعنی آپ کے ایمان و یقین قرآنی روشنی خودی و عرفان اور آہ سحرگاہی اور آپ کے مریدی مولانا روم جس سے دبستان اقبال کی تشکیل ہوئی جس سے فضیلت انسان کا معیار معلوم ہوا جس سے دنیا کے پراشو ماحول میں اس 21ویں صدی میں اس گلوبل ویلیج میں جو مسائل ہیں اس کا ایک ہی حل ہے نعمان بخاری صاحب وہ ہے کلام اقبال سے استفادہ افادیت اور اس کی اہمیت اسی وجہ سے جیسے جیسے آپ کے جو ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور اخلاق کے معیار گھٹتے جا رہے ہیں اقبال کی ضرورت ہمیں روز جب تک ہوا ہے جب تک پانی ہے جب تک خدا ہے اس کا رسول ہے قرآن ہے اقبال کا کلام ہے اقبال ہے کیونکہ سارے ہیں اقبال انہی چیزوں کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے جب تک انسان ہیں جب تک میں ہوں آپ ہیں اسی وجہ سے بڑھتے جا رہی ہے اقبال کی افادیت اور اہمیت کیونکہ ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ چیزوں کے اندر جا کے دیکھے کہ ان کے اندر کیا ہے بے شک انسان کے اندر یہ کھوج یہ جستجو انسان کو دے کے بھیجا گیا بے شک اور ہمارے پاس اقبال ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں انہی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے انہیں سے ہمیں جوڑتا ہے تو یہ سوال کہ اقبال کے آج ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ تو شاید مخلا جو بھی اقبال کو پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے تو فرار ممکن نہیں ہے ریلیونسی یہ سوال کا ہونا ہی شاید جیسے آپ ابھی پہلے ہم بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سوال کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اقبال کی ضرورت ہے یقینا صحیح بہت عمدہ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آخری شعر آپ کا پسندیدہ اقبال کا کوئی نہیں اقبال کا جو ہے آپ کے ایک نعتیہ شعر دیکھیے کہ میں اتنا خوبصورت شعر میں نے نہیں کہا کہتے ہیں مغز قرآن کا نچوڑ روح ایمان جان دین مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین یعنی جس طریقے سے فلسفہ ختم یہاں پہ ہو جاتا ہے اقبال کا کہ محمد سے وفاتون ہے
तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, सब कुछ तेरे हाथ। आज हमारी दूरी हमको बता रही है कि अगर हम हुजूर से मोहब्बत करें और वफा करें तो आज हम खोए हुए अपने दर्जात को हासिल भी आते हैं। तो कहते हैं कि बरसा मुस्तफा क्या था वो मुस्तफा बरसा वगरना आपके जो ये तो भी और यही दीन है, यही दीन नहीं है कि वहां तक पहुंचना ही मकसूद है। वो बिल्कुल उसी वजह से आपके कहते हैं कि आपके, और फिर वो आखिरी उसको रिपीट करना है कि दुनिया में कस ना बौशत दर जहां मोहताज कस। कोई इस दुनिया में दूसरे का नुक्ते शर्रे मुबी इन अस्तो बस। हुजूर ने कुरान मजीद को जो आपके हमारे सामने पेश किया और अहादीस से जो पेश किया, यही किया कि कोई इंसान दूसरे इंसान का गुलाम ना हो। आफाक की सबसे बड़ी आपके जो है पहचान यही। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया हमेशा की तरह। ये गुफ्तगू आपके साथ बहुत अच्छे से चल रही है, चलती रहेगी इंशाल्लाह। कनाडा वन टीवी के आज इस प्लेटफॉर्म से हमने इसी गुफ्तगू को दोबारा किया। आप इस के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहे। ये निश्चित चलती रहेगी रहला विद नोमान बुखारी। रहला का तो मतलब ही सफर होता है, सफर भी वो के जो के कुछ सीखने के लिए किया जाए। तो आप जानते हैं कि इस किस्म के सफर के अंदर हम आपको बहुत चीजों पे जाते हैं। जो आखिरी चीज थी डॉक्टर साहब के साथ वो हमारी लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए मोटरवे के ऊपर थी, जो जवेदनामा पे हमने गुफ्तगू की थी। तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त एक सरप्राइज विजिट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आपका होस्ट नोमान बुखारी, देखते रहिएगा कनाडा वन टीवी। डॉक्टर तकी आब्दी साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इकबाल का डे है, इकबाल को याद रखें, इकबाल को पढ़ें, समझने की कोशिश करें। अगर कोई मसाइल आते हैं तो वेबसाइट हमारी www.iqbal.com.pk या आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी को, या कनाडा वन टीवी के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके पास इंशाल्लाह ताला जो आपके सवाल होंगे, जो मसाइल होंगे, हम तो सीखने वालों में से हैं, सिखाने वालों के पास जाके आपके लिए कुछ ना कुछ ले आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।